Chapter 1 Computer Networking. This is first part of this chapter. In this chapter, we will discuss about computer network. A computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources. Computer network एक ऐसा system है जिसमें multiple computer मतलब एक से ज्यादा computer आपस में जुड़े होते हैं और इनके connect होने का purpose जो होता है वो information और resources को share करना होता है. Characteristics of a computer network. कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के क्या क्या फायदे हैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम किसी एक सिस्टम में फाइल को क्रिएट करते हैं और स्टोर करते हैं और उस फाइल को नेटवर्क में जुड़े अदर कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है. अगर आपने एक कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई है तो उस फाइल को जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होंगे उन सभी कंप्यूटर में इस फाइल को एक्सेस किया जा सकता है. इससे हमारी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती है और अलग अलग सिस्टम में हमें बार बार फाइल को बनाना भी नहीं पड़ता. कंप्यूटर नेटवर्क का दूसरा फायदा यह है अगर आपके पास एक ही प्रिंटर है, एक ही स्कैनर है और एक ही फैक्स मशीन है तो उस प्रिंटर फैक्स मशीन या स्कैनर को आपको एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना होता है और नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं यानी कि उस कंप्यूटर से जितने भी कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े हैं उन सभी कंप्यूटर से इन प्रिंटर्स स्कैनर और फैक्स मशीन को एक्सेस किया जा सकता है. हमें अलग अलग कंप्यूटर के लिए प्रिंटर स्कैनर या फैक्स मशीन खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है. हम एक ही प्रिंटर एक ही स्कैनर और एक ही फैक्स मशीन को सभी कंप्यूटर पर नेटवर्किंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. तीसरा फायदा इसका यह है कि अगर आपने एक सिस्टम में सीडी राइटर लगा रखा है और उसके अंदर ही सीडी प्ले हो रही है तो आप चाहे किसी भी कंप्यूटर पर बैठे हो जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड है आप किसी भी कंप्यूटर से इस सीडी में मौजूद म्यूजिक को सुन सकते हैं. चौथा जो बेनिफिट है इसका, आप इसके थ्रू इंफॉर्मेशन और डाटा को किसी दूसरे सिस्टम पर बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हैं. इसमें आपको पेन ड्राइव या सीडी के थ्रू डाटा को एक सिस्टम से कॉपी करके दूसरे सिस्टम में जाकर पेस्ट करने की नीड नहीं होती है. आप आसानी से नेटवर्क के थ्रू किसी भी सिस्टम का डाटा एक्सेस कर सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. पहला कंपोनेंट जो है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको शॉर्ट में NIC भी बोलते हैं. इसका एक और नाम है एथरनेट कार्ड. इस डिवाइस को तीन नामों से जाना जाता है, पहला नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दूसरा एथरनेट कार्ड या फिर लैन कार्ड भी बोलते हैं इसको, लैन कार्ड LAN लैन कार्ड या फिर एथरनेट कार्ड. दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हब, स्विचेस, केबल एंड कनेक्टर्स, राउटर और मॉडम. हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विदाउट विच ए कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्ट ओवर ए नेटवर्क. जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है. अगर आपके सिस्टम में ये कार्ड नहीं है तो आप अपने सिस्टम को मीन्स कंप्यूटर को किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. दो सिस्टम कनेक्ट करने के लिए उन दोनों सिस्टम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना जरूरी है. विदाउट दिस डिवाइस वी कैन नॉट कनेक्ट एनी कंप्यूटर टू द नेटवर्क. इसके टाइप कितने होते हैं? जो ये हमारा कार्ड होता है दो टाइप का होता है, एक तो वायर्ड होता है यानी कि जिसमें हम वायर के थ्रू सिस्टम कनेक्ट करते हैं. दोनों सिस्टम में ये कार्ड लगा होगा और दोनों सिस्टम में केबल के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं. और दूसरा वाला जो कार्ड होता है वो वायरलेस होता है यानी कि ये वाला कार्ड अगर सिस्टम में लगा हुआ है तो आप दूसरे सिस्टम पर कनेक्ट करने के लिए वायरलेस सिस्टम का यूज कर सकते हैं. बिना वायर के भी दो सिस्टम आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, बस उनमें वो उन दोनों में वायरलेस इंटरफेस कार्ड होना चाहिए. हब. हब इज ए डिवाइस दैट स्प्लाइट ए नेटवर्क कनेक्शन इनटू मल्टीपल कंप्यूटर्स. इट लाइक ए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. अगर आपको एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, देखिए इसे ऐसा समझते हैं जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर केवल एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, दूसरा सिस्टम है उसमें भी एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्टेड है, जितने भी हमारे सिस्टम है सब में एक एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड
लगा हुआ है। अब इन सभी सिस्टम्स को हमें आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करना है। अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट करते हैं तो फिर इसको इससे नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि दोनों में एक ही पोर्ट है और वो पोर्ट आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो दोनों पोर्ट बिजी हो जाएंगे। तो इस सिस्टम को यहाँ पर कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हब है। हब के थ्रू क्या होता है, हम हर सिस्टम को हब से कनेक्ट कर देते हैं। हब में जितने भी चैनल हैं आप उतने ही कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये हब जो 4 चैनल का भी हो सकता है, 8 चैनल का हो सकता है, या फिर 16 चैनल का हो सकता है, 32 का हो सकता है, 64 का हो सकता है, इस तरह से यहाँ पर ये किसी भी चैनल का हो सकता है, यानी कितने भी इसके अंदर पोर्ट हो सकते हैं। अभी ये वाला जो हब है 8 चैनल का है, यानी 8 पोर्ट इसके अंदर हैं, 8 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है बाय दिस हब। अब इस हब के थ्रू ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि ये सारे पोर्ट्स आपस में लिंक्ड हैं। स्विच इज लाइक ए हब। देखिए स्विच जो होता है वो बिल्कुल हब की तरह होता है, बट बिल्ट इन विद एडवांस फीचर। इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर भी होते हैं, जो हमारा हब होता है ना उसके अंदर केवल और केवल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की फैसिलिटीज होती है, लेकिन जो हमारा स्विच होता है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं जो उसे अपने आप में स्पेशल बनाते हैं। अब वो एडवांस फीचर क्या है, इज यूजेस फिजिकल डिवाइस एड्रेस। ये जो यूज करता है वो जितनी भी डिवाइस से कनेक्ट होंगी उनका एक फिजिकल एड्रेस को यूज करेगा, यानी कि जो भी डिवाइस इस स्विच से कनेक्ट होती जाएंगी उन सबको एक एड्रेस ये असाइन कर देगा। इन ईच इनकमिंग मैसेज, जितने भी इसके पास मैसेज आएंगे, मतलब जो भी डिवाइस इससे कनेक्टेड होगी उनसे जो भी डाटा ट्रांसफर होगा, सो दैट इट कैन डिलीवर द मैसेज टू द राइट डेस्टिनेशन और पोर्ट। जो भी मैसेज या डाटा इसके पास आएगा कनेक्शन के थ्रू उसको वो एक प्रॉपर एड्रेस देगा और उस एड्रेस देने के बाद उसे सही डिवाइस पर ट्रांसफर कर देगा। ये इसका बेनिफिट होता है। केबल एंड कनेक्टर्स, अगर आपके पास नेटवर्किंग के लिए कंप्यूटर अवेलेबल हैं तो वहां पर आप उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए 2 टाइप के इंटरफेस कार्ड का यूज करते हैं। एक तो वायर्ड वाले होते हैं जिनमें वायर से कनेक्ट किया जा सकता है, और दूसरा वायरलेस होते हैं। वायरलेस वाले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वायर्ड वाले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है तो वहां पर उन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें केबल की नीड होगी। अब केबल क्या है, केबल वन वे ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया विच कैन ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल। देखिए ये एक ऐसा माध्यम है जो कम्युनिकेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करता है किसी दूसरे सिस्टम पर। ये केबल जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केबल्स होती हैं जिनको नेटवर्किंग में यूज किया जाता है, जैसे कोक्सिया केबल। कोक्सिया केबल का जो मैक्सिमम यूज किया जाता है वो टेलीविजन में किया जाता है। टेलीविजन में जो सेटअप बॉक्स में केबल लगी होती है उसी को हम कोक्सिया केबल बोलते हैं। ये वाली कोक्सिया केबल है। कोक्सिया केबल में एक वायर होता है सेंटर में और बाकी एक अर्थिंग के लिए भी वायर होता है, 2 वायर्स इसमें होते हैं। सेकेंड है फाइबर ऑप्टिकल केबल, इसमें जो है डाटा लाइट वेव्स के थ्रू जाता है। उसके अलावा तीसरा जो टाइप है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल 2 टाइप की होती हैं, एक तो एक अनसील्ड होती है और दूसरी सील्ड होती हैं। अनसील्ड में क्या होगा, अनसील्ड में सिंपल 8 वायर्स होंगे, उनके ऊपर कोई कवर नहीं होगा, लेकिन जो सील्ड वाली होगी उसके ऊपर एक्स्ट्रा कवर होगा जो सिग्नल को लीक होने से रोकता है। इस वाली केबल के मुकाबले ये केबल ज्यादा बेस्ट होती है। राउटर आर यूज टू कनेक्ट टू डिस्टिंक्ट नेटवर्क्स। देखिए 2 अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। ये भी हब और स्विच की तरह ही होता है, इसमें भी सेम वैसे ही कनेक्टर होते हैं जो यहाँ पीछे कनेक्टर होते हैं जिनमें हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। इस कनेक्टर का नाम जो होता है RJ45। वैसे ही कनेक्टर होते हैं, सेम वैसा ही होता है ये बस, लेकिन इसका फायदा क्या है, ये 2 अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का फीचर भी अपने साथ रखता है। राउटर एक्ट एज सेंट्रल पॉइंट अमोंग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस जो हैं उनके बीच में सेंट्रल पॉइंट काम करता है ये, ताकि उनको आपस में कनेक्ट कर सके। मॉडम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। ए मॉडम अनेबल्स यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शन ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। देखिए अगर आपको कंप्यूटर पर इंटरनेट को चलाना है टेलीफोन लाइन के थ्रू, तो कंप्यूटर
और टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल आता है, जो हमारी टेलीफोन लाइन होती है वो सिग्नल देती है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल आता है वहां से, एनालॉग सिग्नल इस डिवाइस में जाता है मॉडम के अंदर, और मॉडम उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उस सिग्नल को कंप्यूटर को ट्रांसमिट कर देता है। मतलब मॉडम का जो यूज किया जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपके सिस्टम में ये डिवाइस नहीं है, आपने मॉडम का यूज नहीं किया है, तो आप लैंडलाइन फ़ोन के थ्रू कभी भी कंप्यूटर में इंटरनेट को चला नहीं पाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।